पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। 7 वितल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशाल काय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देव ऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहां सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियां हैं, जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है। वहां सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहां सर्प और दैत्य आदि भक्ष, भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहां वन, नदियां, रमणीय सरोवर, कमल वन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सबका उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवऋषि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित है। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण सुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए हुए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मद से मत्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मुसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वह भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला से दिखाई देती है, उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान अनंत जब जम्भाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नागवधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूं, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांत, वसातप्त, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, लाला भक्ष, पुयवह, वहिंज्वाल, अधशिरा, संदस, कृष्ण सूत्र, तम, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ,
तथा अवीच इत्यादि बहुत से नरक हैं, जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण ये सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वह ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रो नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोक कर मार डालता है, वह सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधु के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करता है, वह सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला यो रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों या अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। बाढ़ बनाने वाला बेधक नाम के नरक में गिरता है। जो करणी नामक बाढ़ तथा खड़क आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपूय नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में जाता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपूय में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता, जो नाव चलाता, जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भय से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री से संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला, समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कच्छ नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असिपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले वहीं ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदस नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं, जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वह नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्त बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक दूसरे से सहस्त्र गुने श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू, मनु,
आदि स्मृतकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं, तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहां तो जहां से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्ग लोक में जाना और कहां मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहां से आई, वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है और न सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व का ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?